लेबनान में पहले पेजर फटे और अब वॉकी टॉकी। आखिर कौन हिजबुल्ला को निशाना बना रहा है? अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नाम तो इसराइल और मोसाद का भी आ रहा है, सच्चाई क्या है इसका भी पता लगाया जा रहा है। लेबनान इन दिनों अलग ही तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है। उस पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी धमाकों से लोग मर रहे हैं। पेजर ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि वॉकी टॉकी में विस्फोट हो गया है। फिर घर, कारें, मोटरसाइकिल और सोलर सिस्टम भी फटने लगे हैं। इस सब के बाद सवाल यही है कि लेबनान में आखिर क्या हो रहा है, कैसे अचानक ये सब होने लगा। 17 सितंबर को एक के बाद एक सैकड़ों पेजरों में धमाके हुए। इस घटना में 9 लोगों की मौत भी हो गई, वहीं 3000 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पेजर धमाकों से ही लेबनान डरा सहमा हुआ था। इन घटनाओं में मारे गए लोगों के जनाजे उठाए जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। जनाजे में ही लोगों के जेब में रखी वॉकी टॉकी फटने लगे और 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं 450 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर धमाकों के एक दिन बाद वॉकी टॉकी में विस्फोट की घटना हुई है। एक दुकान जिसमें वॉकी टॉकी रखे थे उसमें भी आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक ये वॉकी टॉकी 5 महीने पहले खरीदे गए थे। बताया जा रहा है कि पेजर भी करीब करीब तभी खरीदे गए थे। सूत्रों की माने तो जैसे ही धमाके हुए, हिजबुल्ला के दूसरे सदस्य वॉकी टॉकी से बैटरियां निकाल कर फेंकने लगे। लेबनानी रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों में लगे सोलर सिस्टम में भी विस्फोट हुए हैं। बताया जा रहा है कि वॉकी टॉकी फटने की ये दर्दनाक घटना हिजबुल्ला के गढ़ में हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैरूत, बेका, नबातिये और दक्षिण लेबनान में सैकड़ों लोग घायल हो गए। ऐसा लग रहा है कि लेबनान में विस्फोटों की दूसरी लहर आ गई है। जिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए उनको हिजबुल्ला इस्तेमाल कर रहा था। धमाकों का आरोप इसराइल पर लग रहा है। लेबनान में हो रही घटनाओं से एक और जंग का डर सताने लगा है। लेबनान में पेजर धमाके को लेकर कहा गया कि हो सकता है कि पेजर सिस्टम को हैक कर विस्फोट किया गया। इसका सीधा शक इसराइल और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि हैकिंग के जरिए पेजरों की लिथियम बैटरी को इतना गर्म कर दिया गया कि उनमें धमाका हो गया। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि पेजर बनाते समय या फिर उसकी आपूर्ति के समय सप्लाई चेन को कहीं भेजा गया और हजारों पेजर में विस्फोट प्लांट किए गए। लेबनान में मंगलवार को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सैकड़ों पेजरों में एक साथ धमाके हुए थे। इस घटना में 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, वहीं 200 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब जेब में रखे पेजर एक के बाद एक फटने लगे तो कुछ ही समय बाद हिजबुल्ला लड़ाकों की खून से लथपथ तस्वीरें और धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। आपको बता दें, लेबनान में पेजर धमाके को लेकर कहा गया है कि हो सकता है कि पेजर सिस्टम को हैक कर विस्फोट किया गया। इसका सीधा शक इसराइल और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि हैकिंग के जरिए पेजरों की लिथियम बैटरी को इतना गर्म कर दिया गया कि उनमें धमाका हो गया। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि पेजर बनाते समय फिर उसकी आपूर्ति के समय सप्लाई चेन को कहीं भेजा गया और हजारों पेजर में विस्फोट प्लांट किए गए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये धमाका हिजबुल्ला की सप्लाई चेन में बड़ी घुसपैठ को दिखाता है। इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्ला की ओर से हमले किए जाते रहे हैं। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।